नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। बिहारी न्यूज के साप्ताहिक रोजगार समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC पटना द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। एग्जाम का नाम है BSSC फर्स्ट इंटर लेवल कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव मेन्स एग्जामिनेशन 2020। पद का नाम है फॉरेस्ट गार्ड, प्रॉम्प्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, टाइपिंग ASI, लीडर इंस्ट्रक्टर, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर, स्टेनोटाइपिस्ट, विलेज असेंबली सेक्रेटरी, LDC, रीडर, एम्ब्रॉयडरी इंस्ट्रक्टर, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, बेंच क्लर्क, रेवेन्यू क्लर्क, क्राफ्ट क्लर्क, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 12,140 है। वहीं जहां तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात है तो कैंडिडेट्स जिनके पास BSSC फर्स्ट इंटर लेवल का एग्जाम क्वालिफाइड हो, इसके साथ ही साथ 2014 के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में वो पास हुआ हो, वो अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं पास विथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अच्छा ज्ञान होना भी अनिवार्य है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल तक की उम्र सीमा तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR और OBC को 750 रुपये देने होंगे। वहीं SC, ST, PWD और महिलाओं को SC, ST और बिहार के रहने वालों को 200 रुपये देने होंगे और बाकी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स को 750 रुपये देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 18/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.bssc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड BSRDCL पटना द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है सीनियर अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 6 है। वहीं जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो डिप्लोमा या BCOM या CA रेलेवेंट सब्जेक्ट्स के साथ साथ 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना भी अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 37 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इन पदों के लिए आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 13/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट bsrdcl.bih.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है टेक्निकल स्टाफ, स्किल्ड सपोर्ट स्टाफ। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो कुल मिलाकर 2 पद है। वहीं जहां तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, मास्टर्स ऑफ साइंस एंड फिजिक्स या फिर डिग्री और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या ITI इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो इन पदों के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इंटरव्यू तारीख की बात करें तो 16/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.iitp.ac.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है काउंसलर, डिस्ट्रिक्ट अर्बन हेल्थ कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट, इंस्ट्रक्टर फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 660 है। वहीं जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो डिग्री इन सोशल वर्क या साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी या PG इन पब्लिक हेल्थ या MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ मैनेजमेंट या पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट और हेल्थ केयर मैनेजमेंट या MA सोशल वर्क, MSW और PG विथ रूरल मैनेजमेंट या MBA या PG डिप्लोमा या इंटरमीडिएट 1 साल के डिप्लोमा कोर्स के साथ इन ऑडियोलॉजी, फिर इंटरमीडिएट या 10+2 विथ डिप्लोमा इन एनी वन ऑफ द डेंटल हाइजीनिस्ट या डेंटल मैकेनिक या 10th पास एंड सर्टिफिकेट कोर्स इन असिस्टेंट का होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो UR और EWS को लिए 18 से 37 साल है। वहीं UR और EWS महिलाओं के लिए 18 से 40 साल है। BC और MBC के लिए 18 से 40 साल है। SC, ST के लिए 18 से 42 साल है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को जनरल BC, MBC और EWS कैटेगरी को 500 रुपये देने होंगे। वहीं महिलाओं को जनरल BC, MBC और EWS कैटेगरी के 250 रुपये देने होंगे। वहीं SC, ST कैंडिडेट्स को, जो कि सिर्फ बिहार स्टेट के हैं, और PWD को 250 रुपये देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें 17/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट statehealthsocietybihar.org पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं।
अब आगे हम बात करेंगे एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है ड्यूटी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ऑफिसर असिस्टेंट, सीनियर कस्टमर एजेंट, पारा मेडिकल एजेंट कम केबिन सर्विस एजेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 160 है। वहीं जहां तक शैक्षणिक योग्यता है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत स्नातक या फिर बीटेक या बी इन रेलेवेंट सब्जेक्ट या सीए या एमबीए का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 55 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यूआर और ओबीसी कैटेगरी को ₹500 देने होंगे, वहीं एससी एसटी ईएक्सएसएम को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं इंटरव्यू डेट की बात करें तो 10 और 11 मार्च की तारीख तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.airindia.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL न्यू दिल्ली द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 54 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता है तो शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है, जिसके तहत सीए या एमबीए या सीएमए या एमसीए या एमटेक या बीटेक या बीई या एएमआईई या एमबीए या पीजीडीबीए या पीजीडीबीएम इन एचआर और पर्सनल या बीबीए एचआर पर्सनल मैनेजमेंट या बीई या बीटेक या एएमआईई सीएसआईटी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के साथ होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 30 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर के यूआर ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस को ₹1,000 देने होंगे, वहीं एग्जीक्यूटिव यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस को ₹900 देने होंगे और बाकी सभी पदों के एससी एसटी पीएच और ईएक्सएसएम को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 15/2/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट DFCCIL.com पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं और साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड HURL दिल्ली द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है इंजीनियर्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 90 है। वहीं डिसिप्लिन एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में 38 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 25 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 15 है, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए 12 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता है तो शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है, जिसके तहत वैलिड स्कोर इन गेट 2019 का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी रेलेवेंट एरिया ऑफ सब्जेक्ट्स में होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इन पदों के लिए आवेदक को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 15/3/2020 तक आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.hurl.net.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही साथ आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर भी जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ऑफ इंडिया द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चरल MEP, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO इन लीगल एक्यूटेरियल CA राज्य भाषा एंड IT में। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 218 है। वहीं जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत BE या BTEC इन सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर या MTEC या ME इन स्ट्रक्चरल स्ट्रीम या ग्रेजुएशन या CA या लॉ ग्रेजुएशन या LLM या मास्टर्स डिग्री इन हिंदी या इंग्लिश या MCA या MSc इन कंप्यूटर साइंस का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 30 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें SC ST और PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स को ₹85 देने होंगे। वहीं आखिरी तारीख की बात करें तो 15/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट LICIndia.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम पुलिस गुवाहाटी द्वारा निकाले गए रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है कांस्टेबल ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन, कांस्टेबल ऑफ पुलिस UP, कांस्टेबल ऑफ पुलिस मैसेंजर, कांस्टेबल ऑफ पुलिस कारपेंटर, सब ऑफिसर, फायरमैन, इमरजेंसी रेस्क्यूअर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 1283 है। जहां तक एडुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है तो सभी पदों के अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत 12वीं पास या फिर ITI with required physical standard होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें
करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 25 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को इन सभी पदों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 15/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट police.assam.gov.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है SI मास्टर, SI इंजन ड्राइवर, SI वर्कशॉप, HC मास्टर, HC वर्कशॉप ट्रेड, मैकेनिक, डीजल पेट्रोल इंजन, इलेक्ट्रीशियन, AC टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिस्ट, कारपेंटर, प्लम्बर, CT क्रू। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 317 है। वहीं जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत 10+2 या फिर इसके समकक्ष या मैट्रिकुलेशन की डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 20 साल तय की गई है, वहीं अधिकतम उम्र सीमा 28 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो SI को ₹200 देने होंगे, वहीं HC को ₹100 देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 16/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट bsf.nic.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इंडियन म्यूजियम कोलकाता द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है यंग प्रोफेशनल्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 14 है। डिसिप्लिन को देखें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी, आर्कियोलॉजी, आर्ट, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, रिजर्वेशन एंड जेटन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत मास्टर्स डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट्स का होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की बात करें तो 35 साल उम्र सीमा तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आवेदकों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आखिरी तारीख की बात करें तो 16/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianmuseumkolkata.org पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड GSECL वडोदरा द्वारा निकाली गई रिक्तियों के बारे में। पद का नाम है विद्युत सहायक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो सभी पदों को मिलाकर रिक्तियों की कुल संख्या 214 है। जहां तक शैक्षणिक योग्यता की बात है तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं हैं, जिसके तहत डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल 55% मार्क्स के साथ होना अनिवार्य है। वहीं उम्र सीमा की बात करें तो अधिकतम उम्र सीमा 35 साल तय की गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें US को ₹500 देने होंगे, वहीं SC/ST को ₹250 देने होंगे। आखिरी तारीख की बात करें तो 17/3/2020 की तय की गई है, जो कि इसके आधिकारिक वेबसाइट www.gsecl.in पर जाकर आप आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।